अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक सबको, और ईद की ढेरों खुशियाँ, बहुत मुबारक हों आप लोगों को। और किस्मत वाले वो लोग हैं जिनको ये दिन नसीब होता है। और सुमन कुछ कहना चाहती हैं, बोलो। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, और ईद का पहला दिन भी, और आज लाइट नहीं गई, सबसे बड़ी बात तो ये अजूबा हो गया हमारे मोहल्ले में, लाइट नहीं गई, लाइट नहीं गई। और ईद के जो दो दिन हैं वो भी सबके अच्छे गुजरे, अल्लाह पाक सबकी निगाहबानी और हिफाजत करे। और देखो लिया कह रही है अल्लाह हाफिज, इसको अल्लाह हाफिज बहुत अच्छा सा कहना आता है। बोलो हाय करो, हाय बोलो, ईद मुबारक बोलो, हैप्पी ईद। अमन भी, अमन सारे, चलो अमन आप भी बोलो ईद मुबारक, ईद मुबारक। और आप भी बोलो हैरिसन, ईद मुबारक। और वाकई हमारी तरफ से सब मुसलमान बहन भाइयों को ईद मुबारक, और सब पाकिस्तानियों को, हमारे अहले वतन को, सबको ईद मुबारक। तो गाइस आप लोगों ने पिछली वीडियो बनाई थी एक, तो उसमें मम्मा की तबीयत ख़राब थी, तो अभी मम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, शुक्र है, शुक्र है। तो आप सबकी बहुत बहुत थैंक यू, आप सबने मम्मा के लिए प्रे की, और अभी मम्मा ठीक है आपके सामने, हट्टी है, हट्टी और कट्टी है, हट्टी कट्टी हमारे में बोलते हैं सेहतमंद इंसान को, नहीं करो। और नहीं, शुक्र है तबीयत जो है काफ़ी बेहतर हो चुकी है, और दर्द वर्द जो था ख़त्म हो चुका है। और रात को मैंने चांद रात की विश किया था आप लोगों को, और बिल्कुल ही व्यूज़ ही नहीं है, किसी ने मेरी वीडियो ही नहीं देखी। कोई बात नहीं, अभी ईद में सब बिजी हैं और इसीलिए सब वीडियोस नहीं देख पा रहे, वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम ज़्यादा आ रहे हैं। और जो सब लोग कह रहे थे ना कि गोपाल के घर पर मेरा मुँह सूजा हुआ था, तो गाइज वो सूजा हुआ नहीं था, मेरी दिया बेटी इतनी ज़ोर से गिर गई थी, तो उसकी टेंशन की वजह से मुझे जाना ही नहीं था, लेकिन शहजाद जो है वो मुझे फोर्स कर रहा था कि आ जाओ बाजी आ जाओ, तो इसलिए फिर हम लोग गाना बांध दिया। दिया गिर गई थी और मम्मा का बीपी लो हो गया। हाँ दिया गिर गई थी बहुत, उसको चोट लग गई थी, और इसीलिए जो है मेरा मतलब कि वो खुशी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी आपकी दुआओं में बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा, और गाने की और वीडियो भी बहुत आप लोगों ने देखी होगी कि बहुत मज़ा आया, और बहुत अच्छी, बहुत वायरल भी हुई वीडियो मेरी, और बहुत अच्छा लगा। और पांचों भाई भी मैंने आपको दिखाए, तो अभी इंशाल्लाह मिशेल के रिश्ते में आपको सबसे मिलवाऊंगी और सब दिखाऊंगी। तो गाइस हमारी वीडियो के साथ ही रहेगा, पूरी वीडियो वॉच करिएगा। तो अभी हम लोग चैलेंज, तो हम आपको सरप्राइज है कौन कौन चैलेंज लगाने लगा, ठीक है, तो साथ ही रहना, अपने वीडियो भी खत्म नहीं होगी। हाँ तो गाइस चैलेंज हो चुका है तैयार, और चैलेंज है आइसक्रीम का, और सुमन के साथ और कौन है, सुमन मेरे साथ मिशेल आती है। हाँ मिशेल और सुमन का चैलेंज होने लगा है आइसक्रीम का, और गाइस आप लोग किसको ज़्यादा सपोर्ट करोगे ये तो आप लोग ही जानते हो, ऊपर करो थोड़ी सी कटोरी। हाँ चलो भाई, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और मैं चलो भाई आइसक्रीम हो रही है मेल्ट, तो जल्दी जल्दी चैलेंज शुरू कर दिया जाए, तो कौन जीतेगा। उधर बैठ के खाओ, जाओ पापा के पास, मिशु के पापा मेरे को भी डाल के दो, और देखते हैं कौन जीतता है, हमेशा तो मिशेल ही जीतती है। निकल तू इथों, चमाटे मारूंगी मुंह के ऊपर। कौन जीतन डया, ऊपर करो कटोरी थोड़ी सी, ऐसे खाने में मिशेल शेर है, ठंडी है, इसको तोड़ो ना पूरा सुमन, चमचे मार मार के तोड़ो, मेल्ट करो, उसके बाद मज़ा आएगा खाने का। थोड़ियाँ मजाक भी मस्ती भी कर लो थोड़ी जी। तो गाइस हाँ तो गाइस इधर भी आइसक्रीम खाई जा रही है, और लिया को देखो ज़रा, और मियाँ जी मेनू पाक दे रहे ने, तो मियाँ जी हाँ जी आए मेरे को दे रहे हो, वाह। हैरिसन भी खा रहा है, और इधर मुकाबला सख्त तरीन हो गया है, तो बंदे जो हैं दोनों, ओ मिशेल जीत गई, सुमन हार गई, फाइनली खत्म हो गया, फाइनली खत्म हो गया, अभी तो मुंह में
कहाँ फाइनली ख़त्म हुई, दिखाओ फाइनली ये वो भी ख़त्म, ये देखो मिशन की। और गाइज आप लोगों ने बताना है कौन जीता और कौन आ रहा है। सुमन अभी भी लगी हुई है चमचे के साथ और अभी कह रही मेरी हाँ, तो ये तो जीत गई है मिशल, तो सुमन हार गई। सुमन कैसा लग रहा है हार के? और मिशल कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग, हमेशा की तरह अच्छा लगता। नहीं नहीं एक दफा हारी थी। हाँ मेरे से हार ही थी मिशल, मम्मा से भी हार गई थी, पापा से भी हार गई थी बिरयानी में उस दिन। बरे हाँ लास्ट टाइम अभी बिरयानी दे पापा को नहीं बताना आपको हमारा चैलेंज कैसे लगा, मतलब कैसा लगा, अच्छा लगा या बस लगा अच्छा लगा। तो गाइस अभी मम्मा खा रही है आइसक्रीम, पहले मम्मा खानी है आइसक्रीम वो आ सकता है। तो चैलेंज की वीडियो हमने बनाई क्योंकि हमने चैलेंज की वीडियो बहुत कम बनाई है, तो अभी हम लोग जो है ना बहुत जबरदस्त वाले चैलेंज लगाने वाले हैं। अभी मम्मा खा रही है आइसक्रीम, जिसको भी खानी वो आ सकता है। हाँ जिस जिसको आइसक्रीम खानी है वो आ सकता है, और जिस जिसको आइसक्रीम खानी है वो भी आ सकता है। अभी मम्मा खा रही है आइसक्रीम। माँ आपने तो किससे रेस नहीं लगाया, आप तो आराम आराम से खाओ। ठंडी हो रही ना, मेल्ट हो रही है। हाँ ठंडी हो रही है, गर्म हो रही है, मेल्ट हो रही है, मेल्ट हो रही है, गर्म हो रही है, मतलब जूस बन रहा है। पिघलन डई है, पिघलन डई, पिघल जानी हूँ इसलिए मैं फटाफट खा रही हूँ। फटाफट खा लो। हाय ठंडे ठंडे खा के तो पसीने भी आ रहे हैं। और तो माँ नहीं, बस आइसक्रीम इतनी ज़्यादा ही खाई जाती है, आपने हिसाब लगाया होगा गाइस के ना, आइसक्रीम आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, आप जितनी भी आपको पसंद है ना, लेकिन आप इतनी ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खा सकते। खा सकते नहीं क्योंकि ठंडी भी होती है और मीठी भी होती है, तो हम लोग इसको इतनी मिकदार में, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं खा सकते, थोड़ी सी खाएंगे पेट भर। आज का चैलेंज हमारा जो है आपको बताना है कि कैसा लगा आपको, और आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।